बिलारी तहसील क्षेत्र के गांव नया गांव में चंदूसी से बारात आई थी। इसी दौरान बारात के लोगों ने खाना खाया। खाने में मौजूद रसगुल्ले जिन बारातियों ने खाए तो उनकी हालत बिगड़ गई। फूड पॉइजनिंग के कारण हालत बिगड़ गई। आनन फनन में सभी पीड़ित बारातियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सोमवार की देर शाम गांव निवासी रहेश पुत्र कन्नी की पुत्री की बारात चंदोसी से आई थी। इसी बीच विवाह कार्यक्रम में खुशी का माहौल था। सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। मेहमान और ग्रामीणों के अलावा बारातियों ने भी खाना खाया। इसी बीच खाने में मौजूद रसगुल्ले और सब्जियां जिन लोगों ने खाई उनकी हालत बिगड़ गई। आनंद फनन में 108 एम्बुलेंस की सहायता से CHC बिलारी लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने बताया कि सभी की हालत फूड पॉइजनिंग के कारण बिगड़ी है। खाना बासी और कीटाणु युक्त रहा होगा, जिसके चलते यह सभी लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। मंगलवार की सवेरे लगभग 2 दर्जन लोग अपने उपचार के लिए एम्बुलेंस की सहायता से पहुंचे थे, जिनको उपचार के बाद जिला अस्पताल को रेफर कर दिया। क्या घटना हुई थी, क्या बात हुई थी? रात में हुई, इनके 3 बजे की तरफ खाना खाया इन्होंने। खाना खाने के बाद उल्टी दस्त हुई है, कुछ को दस्त भी हुई, उल्टी भी हुई, अधिकतर लोगों को उल्टियाँ ही हुई। अच्छा, कितने लोग होंगे? लगभग होंगे, कितने होंगे, 15-20 के लगभग होंगे ये खाए, होंगे 20-25 लोग। अच्छा अच्छा, तो क्या कोई प्रोग्राम था गांव में? क्या शादी समारोह था? बारात गई थी कि आप? आई थी, लड़की की शादी आई थी। तो ये रात खाना उना खाया होगा उन्होंने, तो अचानक तबियत बिगड़ गई। अचानक खाना खाने के बाद तबियत। अच्छा, आपको फिर कहाँ गए थे आप सब लोग? 108 पर कॉल करी, वो उन्होंने एडमिट कराया था हॉस्पिटल में। अच्छा, गाड़ी आ गई कम से कम 30-35 मिनट के अंदर ही। दो गाड़ी लगा था वहाँ पे। जब लोगों की तबियत ठीक हुई, जब आए लोग या डॉक्टर ने कुछ? नहीं, उन्होंने डॉक्टर ने खुद ही कम से कम 3-4 घंटे के अंतर से भेज ही दिया उन्होंने। क्या कह के सब दो ड्रिप लगाई ना, और मतलब हालत भी उनकी ठीक से हो गई, कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है अभी। कौन से गांव के? नया गांव, नया गांव के। अच्छे, रात जो प्रोग्राम था, क्या प्रोग्राम था, क्या था रात? तो सर ये अचानक 2:30-3 बजे के आसपास करीबन 25-30 आदमियों की हालत ज्यादा गंभीर हो गई थी। अच्छा, क्या शादी का प्रोग्राम था? क्या था जी शादी का प्रोग्राम था? क्या किसकी बारात आई हुई थी, उसमें कुछ लोग भात वाले भी थे, तो उनकी हालत ज़्यादा गंभीर हो गई, मतलब उल्टी और दस्त हो गए थे उन्हें। फिर हमने बिलारी 108 पर फ़ोन किया, वहाँ से तुरंत एम्बुलेंस आ गई, और उसमें वो आदमी हॉस्पिटल में भेज दिया गया। अच्छा, उनकी अब हालत कैसी है? उनकी हालत, कुछ लोगों की तो हालत अभी गंभीर है, कुछ लोग जो है सोलारे अस्पताल में भी हैं, वहाँ से मतलब आ गए हैं, और कुछ मेहमान थे वो चले गए, कुछ यहाँ पर तैयार हैं। हमारे अस्पताल में सुबह नया गांव से फूड पॉइजनिंग के केस आए थे, उल्टी दस्त, पेट में दर्द थे, हल्की फुल्की सबको शिकायतें थी, तो करीब 30 मरीज आए थे हमारे, तो उन्हें यहाँ पे भर्ती रखा गया, इलाज किया गया। ज़्यादातर मरीज़ तो सब सही हो गए हैं और जा चुके हैं, बाकी दवाई लेकर भेजा गया, और उन्हें कहा गया है कि बीच में आके हमें। कितने लोग होंगे सर? करीब 30 मरीज लोग। 30 लोग? किस कारण हुआ था कुछ पता चल? शादी ब्याह में इन लोगों ने कई शादी में गए, वहाँ कुछ ऐसा खा लिया था, या तो बासी कुछ खाना होगा, या खाने में कुछ मिलावटी हो गई होगी, किस वजह से।